एमसीयू और बेंटन से लेकर है आज आपके लिए नई वीडियो। इसमें क्या है कि एमसीयू में कुछ ऐसे सीन दिखाए गए हैं जो बेंटन में हम पहले ही देख चुके हैं। आप इसे कोइंसिडेंस कह सकते हो, सिमिलरिटी कह सकते हो, कॉपी कह सकते हो। और इसमें जो हमें एमसीयू में से जो हमने सीन्स लिए हैं वो है थोर की मूवी और स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में दिखाया गया एक सीन से। तो देखते हैं कि क्या चीज़ उसमें मैच करती है और क्या नहीं करती है। और उसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं मैंने तुम्हें पहले बता दे रहा हूँ, वो कॉपी हो सकती है, कोइंसिडेंस हो सकता है या सिमिलरिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पर कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये मुझे नहीं पता। पर सेम सीन है तो है, पर वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बनाने के लिए मैं तुमसे बदला लूंगा। आपने बेंटन क्लासिक का एक एपिसोड जिसका नाम था ग्रेट मैच वो तो देखा होगा। उसमें क्या होता है कि बेन और केविन आपस में लड़ते रहते हैं, तभी वे टेलीपोर्ट हो जाते हैं एक शिप में। उस शिप में उन दोनों को आपस में जंजीर से बांध दिया जाता है और उन दोनों को आपस में लड़ने के लिए कहा जाता है। उस शिप में उन दोनों के ऊपर बैच भी लगाए जाते हैं जिससे उनको कंट्रोल किया जा सके। उन दोनों को आपस में लड़ते हुए बहुत सारी पब्लिक देखती हुई रहती है और उन दोनों का हेड भी होता है वहाँ पर। ऐसा ही सेम सीन है थोर रैग्नारोक मूवी में। उसमें क्या होता है कि थोर और हल्क को आपस में लड़ाया जाता है, उन दोनों को बहुत सारी पब्लिक देखती भी रहती है, उनके ऊपर बैच भी लगाया जाता है जिससे उनको आपस में कंट्रोल किया जा सके और इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा सके। अब तुम इन्हें कौन सी डांस कह सकते हो या सेम सीन कह सकते हो, और कॉपी तो हो नहीं सकते क्योंकि इतने पुराने सीन तो वो देखेंगे नहीं। मेरे हिसाब से तो ये कोइंसिडेंस हो सकता है। वैसे अगर इन दोनों सीन को देखोगे तो बिल्कुल सेम लगेगा, इसमें कुछ सी सिमिलरिटी है और कुछ नहीं है। अगर तुम बेंटन और थोर के इस सीन को देखोगे तो देखकर बिल्कुल कहोगे कि ये तो मैंने पहले कहीं देखा है। अगर तुम थोर का देखोगे तो जब कहोगे, अगर बेंटन का देखोगे तो तब कहोगे। तो वैसे कोइंसिडेंस है तो ये तो होते रहते हैं। हेलो पीटर, ऐसे कोइंसिडेंस तो होते रहते हैं। जैसे अभी हुआ था स्पाइडरमैन नो वे होम के टीजर ट्रेलर के साथ। उसमें क्या हुआ था कि उसमें हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें स्पाइडरमैन मतलब कि पीटर पार्कर कॉलेज में जाता हुआ रहता है। वह बहुत उदास रहता है और उसके पास जो लोग रहते हैं वह उसे देखते रहते हैं। ऐसा ही सेम सीन था बेंटन अल्टीमेट एलियन वाले एक एपिसोड में, जिसमें हम देखते हैं कि बेन भी कॉलेज में जाता है और वह बहुत उदास रहता है, उसके पास लोग भी रहते हैं। पर क्या ऐसे कॉन्सिडेंट होते रहते हैं, मतलब कि इतने देखो, अगर तुम इन दोनों को सीन को साथ देखोगे तो बिल्कुल सेम सीन लगेगा। मतलब कि यार इतना कॉन्सिडेंस पूछो मत ना। अब ये कॉपी तो हो नहीं सकता क्योंकि एपिसोड तो देखेंगे नहीं, पर सेम लग रहा है तो मैंने तुम्हें दिखा दिया। चलो इतने कोइंसिडेंस मैंने तुम्हें दिखा दिए तो चलो एक और दिखा देता हूँ। आप इसमें देखोगे जो इसमें न्यूज़ रिपोर्टर है जे जॉनसन, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे जो स्पाइडरमैन की रिवील करते हैं कि ये स्पाइडरमैन पीटर पार्कर, आप इसे ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल सेम लगेगा ये बेंटन के न्यूज़ रिपोर्टर की तरह। अगर जो आप बेंटन के न्यूज़ रिपोर्टर को देखोगे और स्पाइडरमैन वाले न्यूज़ रिपोर्टर को देखोगे तो बिल्कुल सेम लगेगा, और दोनों ने सेम ही काम करा है। दोनों स्पाइडरमैन से और बेंटन से चिढ़ते हैं और दोनों ने ही दोनों के बारे में रिवील कर दिया है कि ये लोग ये हैं। जैसे कि स्पाइडरमैन में रिवील करा था कि ये स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, ऐसी बेंटन में भी रिवील कर दिया था कि ये एलियंस जो बनता है वो बेंटन है। कॉन्सिडेंस तो होते रहते हैं। चलो एक और बता देता हूँ। आपने देखा होगा जो पीटर पार्कर है वो कॉलेज जाता है, पर तुमको पता है कॉलेज किसके कहने पर जाता है, वो जाता है एमजे के कहने पर। जब एमजे उसे बनाती है कि तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए तो तभी पीटर पार्कर कॉलेज जाता है। ऐसी हुआ था बेंटन में। बेंटन में उसकी गर्लफ्रेंड जूली ने भी ऐसे ही कहा था बेंटन से कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, और जूली ने ही बेंटन को बनाया था कि तुम कॉलेज जाओ, तो उसके कहने पर ही वह कॉलेज जाता है। मतलब एक और कोइंसिडेंस, जहाँ पर वो एमजे मतलब कि जो गर्लफ्रेंड है उसके कहने पर वो कॉलेज जाता है, उधर वो जूली जो बेंटन की गर्लफ्रेंड है वो उसके कहने पर कॉलेज जाता है। मतलब कोइंसिडेंस से तो भरा हुआ है सब चीज़। अभी से आप देख सकते हो क्या से क्या हो गया, मतलब कि यहाँ पे अब तो कोइंसिडेंस ख़त्म हो गया और दिखाने का भी हिम्मत नहीं है। हो सकता है आगे कोई टॉपिक मिल जाए ऐसे कोइंसिडेंस सेम सीन या डुप्लीकेट कॉपी कुछ भी कह सकते हो, उस पर कोई वीडियो मिल जाए तो मैं आपको ज़रूर ले आऊँगा। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ऐसी वीडियो के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक तो करते रहो यार, चैनल सपोर्ट करो, फुल सपोर्ट चाहिए तुम्हारा, तुम्हारे बिना तो कुछ भी नहीं है। तो चलो अब मैं कह देता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।